गौर मैया की हर हर महादेव हर हर महादेव रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तम् विप्रेण हर तो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम्।
छुड़ा ले
अब तो लगभग विश्राम होने वाला है। बोलो हर हर बम बम। तो आप लोगों को कथा का आनंद आ रहा होगा, क्योंकि भगवान शिव की कथा कल्याणकारी है, आनंद को देती ही देती है। और कल आपने अनेक कथाओं को सुना। कौन कौन सी कथाएं सुनी आपने? कार्तिक जी का जन्म, हाँ विशेष रूप से तो कल गणेश जी का अवतार हुआ, और अवतार भी मैंने आपको नए ढंग से ही सुनाया, कुछ अपना लिखा था वो लिखा हुआ सुनाया आपको।
आपने आनंद भी लिया होगा खूब। बोलिए गणपति भगवान की, बोलिए हर हर। महाराज ये पूरा परिवार बड़े प्रेम से रहता है, भगवान शिव जी के जैसा कोई परिवार ही नहीं है। भोलेनाथ का जो परिवार है वो इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि कभी भी भोलेनाथ के घर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। कारण ये कि भोले बाबा सदा ध्यान में मग्न रहते हैं और ध्यान की ऐसी परम गहराइयों में रहते हैं और पूरे परिवार को ही ध्यान करवाते हैं। तो भोलेनाथ का पूरा परिवार आनंद में और प्रेम में रहता है। अगर हम आप लोग भी ध्यान साधना करें तो हम आपका भी पूरा परिवार आनंद में और ध्यान में रहेगा, रह सकता है। महाराज आप जानते ही हैं जो गणेश जी हैं ये गौरा जी के बड़े लाडले हैं और कार्तिक जो हैं ये भगवान शिव के बड़े प्रिय हैं, तो बड़े प्रेम से बड़े भाव से रहते हैं। और यहां पर व्यास जी सुना रहे हैं और सूत जी सुना रहे हैं, सनत कुमार सुना रहे हैं, और ये कथा कौन सुना रहा है, किसको? नंदी ने ऐसी पुराण किसको सुनाया है जी? हाँ किसको? हाँ सनत कुमार हो, उल्टा सीधा मत जोड़ देना कहीं। बोलो हर हर बम बम। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? नारद जी को। और सनत कुमारों को सुनाया? नंदी जी ने। अब यहां पर नंदी महाराज बता रहे हैं, हे सनत कुमारों, एक बड़ी विचित्र और एक ऐसी घटना सुनाता हूं, ऐसी बात बताता हूं जिसकी वजह से हम आप लोग आज दिन तक बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं, बड़े चक्कर। ये तारकासुर का वध हो गया, कल आपने कथा सुनी। तो तारकासुर के तीन बेटे थे, तारक, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तीन उनके बच्चे थे। और ये तीनों ही पिता के समान बड़े ही बलवान थे। जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो ये सोचने लगे कि हमें अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। इसलिए ताकत इकट्ठी होती है केवल ध्यान में, साधना में, तपस्या। अगर आपको ताकत चाहिए फिर आपको ध्यान, साधना, तपस्या करनी चाहिए और पड़ेगी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर के ब्रह्मा जी की आराधना करनी शुरू कर। ना जाने कितनी गर्मियों में ये आग को तपते थे और कितनी बरसात में ये पानी में रहते थे और कितनी ठंड में ये बिना वस्त्रों के तपस्या करते थे। अनेक वर्ष बीत गए घोर तपस्या को करते करते, तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए बोलो? भैया तुमने साधना तपस्या की है, मैं तुम्हें वरदान जरूर दूंगा। इन्होंने कहा कि महाराज अगर आप प्रसन्न हैं, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया अवध्यतम च सर्वेषां
सर्वभूतेषु देहिनः। अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भैया, अमरता का वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। अब इन तीनों ने मिलकर सलाह की कि अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो तीनों ने सलाह की। तारक कहता है कि महाराज हमें तीन नगर दे दो। तारक कहता है कि जो मेरा नगर हो वो सोने का। कमलाक्ष कहता है कि मेरा नगर जो है वो चांदी का हो। विदुनमाली कहता है कि जो मेरा नगर है वो लोहमय हो, लोहे का हो। और ये तीनों नगर हैं ब्रह्मांड के अलग अलग सिरे पर रहें, और जहां भी ये घूमना चाहे वहां घूमकर चले जाएं। ये नगर कभी नष्ट नहीं होने चाहिए। अगर नष्ट हो तो ये उस दिन नष्ट हो जिस दिन ये तीनों नगर एक बिंदु पर एक जगह इकट्ठे हैं। अब देखो कितना बड़ा इन्होंने दिमाग लगाया कि तीनों नगर अलग अलग कोनों पर रहेंगे, ना जाने कहां कहां रहेंगे। और तीनों नगरों को हम कभी एक बिंदु पर इकट्ठा होने, एक सेध में आने नहीं देंगे, और हम अजर अमर हो जाएंगे। और जल्दी जल्दी पूछ लिया ब्रह्मा जी ये बताओ कि अगर इस नगर को सच में ही बलवान बना के रखना है तो क्या करना चाहिए। कि अगर बलवान बना के रखना है तो नगर के अंदर शिवलिंग की स्थापना कर लेना और भगवान शिव की पूजा कर लेना। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो शिव की पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, उनका कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं। अभी उन्होंने कहा ये लग गई बात हाथ में, बढ़िया, अब बनी बात। ब्रह्मा जी ने मय दानव को आदेश दिया। ये जो मय दानव है ये विश्वकर्मा का ही चेला था। विश्वकर्मा से इसने विद्याएं सीखी थी और ये राक्षसों के लिए बड़े सुंदर सुंदर महल बनाता था, मैदान। यहां तक कि जो पांडवों का भवन बना था उसमें भी मैदानव मुख्य शिल्पकार था। तो ऐसे भवन बनाता था जिन भवनों का आज दिन तक इतिहास में वर्णन मिलता है। स्वर्णमय लंका में भी मैदानव का बड़ा हाथ था। विश्वकर्मा जी के साथ ये वहां पहुंचा था। तो ये माया जानता था, बड़ी सुंदर नगरियों का ये निर्माण करता था। इसने सोने की लंका और यहां पर सोने का सुंदर महल बनाया। एक नगर ही बना दिया सोने का, एक चांदी का नगर बनाया, एक लोहे का नगर बनाया। और इन तीनों नगरों में ये तीनों भाई रहने लगे। अब इन भाइयों ने सलाह की कि देखो भाइयों, ऐसा है कि निरंतर हम शिव पूजन भी करते रहेंगे, एक भाई सदा शिव पूजन में रहेगा, दो भाई युद्ध करते रहेंगे। ऐसी इन्होंने सलाह कर ली। और नगर के बीच में महाराज सुंदर सुंदर कुएं, बावड़ियां, सरोवर, सुरम्य एवं सुरवित वृक्षों वाले बाग बगीचे, फलों से लदे हुए वन वाटिका, हाथी घोड़े रथ विमान, विमान समझते हैं हवाई जहाज, तो कैसे कैसे वर्णन है। और सुख उपभोग की सारी सामग्रियां अंदर ही उपलब्ध होती थी, नगर से बाहर जाने की किसी को भी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और इसने इतना सुंदर एक शिवलिंग का निर्माण किया और ये तीनों भाई मिलकर के उस शिवलिंग की स्थापना करते हैं। पर बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ एक पूजन करता रहता है पूरी सामग्रियों के साथ। जितनी भी पूजा में सामग्री लगती है, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनम, स्नानम, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, अभिषेक, जितनी भी षोडशोपचार की पद्धतियां हैं, राजोपचार की पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों से भोलेनाथ का पूजन वो नित्य करते हैं। नतीजा
पूरे ब्रह्मांड में इन जैसा कोई शक्तिशाली ही नहीं रहा। और महाराज नंदी कहने लगे, हे सनत कुमार जी, अब निश्चित समय तक ये लोग युद्ध करते हैं, भगवान का पूजन भी करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि अपने घर में तो पूजन करते हैं लेकिन बाहर वाले लोगों को ध्यान साधना से हटा देते हैं। कोई पूजन नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं करेगा। जितने भी मंदिर हैं बाहर के सब, इधर उधर जितने भी मंदिर थे देश में विदेश में, हर जगह ताले लगवा दिए, लेकिन अपने आप घर में पूजा कर रहा। महाराज अब ये त्रिपुरवासी बड़े आनंद में अपने जीवन को बिता रहे हैं, राजा बने बैठे हैं, और जनता का हाल इन्होंने बड़ा खराब कर दिया। यहां तक कि देवी देवता भी इनसे घबराने लगे, अरे महाराज ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब कहां जाएं हम, क्या करें हम। सब मिलकर भगवान विष्णु के पास आए। विष्णु भगवान ने कहा, ये दैत्य बड़े दुष्ट लोग हैं, अपने आप तो ये हर उपचार से पूजा करते हैं, साधना में लगे रहते हैं, और बाहर जितने भी लोग हैं उन लोगों को साधना से हटा रहे हैं। लेकिन सुनो, यत्र पुण्यम प्रवर्तयेत नाहंतव्यो बुद्धि क्वचित। इनका पुण्य जरा रहेगा तब तक ये किसी भी रूप में इनकी हानि नहीं की जा सकती। बोलिए हर हर बम बम। सब मिलकर भोले बाबा के पास गए, हे भोले बाबा आप ही मदद करो। भगवान शिव ने कहा, सुनो जो मेरे भक्त हैं उनकी ओर देखना भी मत, कि महाराज हैं तो दुष्टि बड़े भारी, कि दुष्ट हैं पर बड़े विधि विधान के साथ मेरा साधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। अब एक तरफ उनका पुण्य बहुत बढ़ गया है, एक तरफ पाप भी बढ़ रहा है, लेकिन पुण्य उनका ज्यादा है, पुण्य उनका, इसलिए उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हां एक विधान बता देता हूं, अगर उन लोगों को मेरी भक्ति से कोई विमुख कर दे तब जाकर के कहीं उनका कुछ अनिष्ट हो सकता है। बोलिए हर हर बम बम। इदं सत्यं वचश्चैव यत्र धर्मः सनातनः तत्र दुःखं न जायेत सूर्यदृष्टे यथा तमः। कितनी बड़ी बात कही कि जहां पर सनातन धर्म के अनुसार कोई रहता है उसके जीवन में कभी दुख कष्ट नहीं आता है। अब अपने जीवन में कथा लेकर आना, अगर हमें दुख है, अगर हमें कष्ट है, अगर हम आप लोगों को समस्याएं हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपनी पूजा पर भक्ति पर विचार करने की आवश्यकता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं जो ये दुख कष्ट पीछा नहीं छोड़ रहे। और सुनो, अब विष्णु भगवान से सबने प्रार्थना की, महाराज आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, अरे देवताओं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कि चलो। बोलो हर हर। अब यहां पर विष्णु भगवान जी ने एक दंडी सन्यासी को प्रकट किया, ध्यान से सुनना। इस दंडी सन्यासी का नाम अरिहंता, क्या नाम रखा, अरिहंता। और इसको आदेश दिया, सुनो कि तुम जाओ इन राक्षसों के नगर में और जाकर के इन लोगों को ऐसा पाठ पढ़ाओ कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, और इस दंडी स्वामी का जो परिणाम है वो आज दिन तक हम आप लोग भोग रहे हैं। आज दिन तक, अब इस दंडी स्वामी के चेले बहुत हो गए, अब दुनिया यही कहती है क्या रखा है पूजा पाठ में, क्या करवाते रहते हो,
ये दूध चढ़ा रहे, फिल्में बन गई, शिवजी पर दूध चढ़ा के क्या होगा। ये यहीं से ये दंडी स्वामी के ही चेले हैं सारे इनके, और इसको कहते हैं शिव पुराण में इसका नाम है नास्तिक मत। क्या नाम है? नास्तिक मत। अब ये दंडी स्वामी अपने दो चार चेलों को लेकर के सिर मुंडा करके हाथ में डंडा लेके माथे पर बड़ा लंबा टिक्का लगा करके ये इनके नगर के पास गया, लेकिन 1000 साल तक इसको नगर में आने की इजाजत ही नहीं मिली। सबने कहा यहां पर शिव पूजन होता है और बाहर से किसी आने की, किसी को आने की आवश्यकता नहीं। अब ये जो अरिहंता है ये बड़ा परेशान हो गया, क्या करूं मैं, अब कहां जाऊं, अरे किस प्रकार से उन लोगों को मैं शिव पूजन से विमुख करूं, कैसे उनको मैं विमुख करूं, क्या करूं। बोलिए हर हर बम बम। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करेंगे, बहुत लोग ऐसे मिले। और आजकल तो ऐसे लोगों की भरमार है, अरे कहां महाराज, इन ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ गए, क्या पूजा कर रहे हो, क्या पाठ कर रहे हो, और ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। नतीजा ये बहुत से लोगों ने अपने घर से, कई लोगों ने देवी देवताओं को बाहर ही निकाल दिया। बहुत लोग मिलेंगे आपको, आपके नजदीक भी होंगे, ना जाने कैसे कैसे धर्म में, कैसे कैसे पंथ में, कैसी कैसी शाखाओं में, और कैसे कैसे लोगों के चक्कर में आकर के उन्होंने अपना नुकसान करवा दिया। ये नास्तिक मत है। नास्तिक का जब कोई काम चला ही नहीं, हालत जब खराब ही हो गई, तो इसने कहा कि अब मेरी तो दाल गलने वाली नहीं है, जो कुछ दाल रोटी थी वो भी खत्म हो गई, भूखे मरने का टाइम आ गया। इतने में भगवान ने नारद जी को भेजा। ये नारद जी को सब मानते थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा तब तुम गए, बोलो हर हर। अब नारद जी ने जब देखा महाराज फिर क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, ये मुझे सुनाओ। कथा समझ रहे, जिसने कथा में वो रोल अदा किया है उसको उसकी ही कथा सुनाई जा रही है। मतलब कितनी भी कथा याद हो, कितना भी पढ़ा हो, कथा को बार बार सुनना चाहिए। बोलिए हर हर बम बम। अब वो नारद जी जाते हैं विद्युन माली तारकाक्ष और कमलाक्ष के पास। सबने अरे गुरु जी आप आए, कि हाँ हाँ हम तो आए, पर हमने देखा ये बाहर बड़े दंडी स्वामी बैठे हैं, कि महाराज पता नहीं कौन है, हमें तो कोई ढोंगी पाखंडी लग रहे हैं। इन्होंने कहा बुलाकर पूछ तो लो, ऐसे थोड़े किसी को बाहर बिठाना चाहिए। हाँ महाराज ये भी ठीक है, क्या पता और ही बढ़िया ये आपको शिव पूजन का विधान बताए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बोलो हर हर बम बम। अब ये दंडी स्वामी अंदर आते हैं और आकर के ऐसा शिव पूजन करवाते हैं, कुछ थोड़ा सा नया करवा दिया, और इन तीनों के मन में इन्होंने विश्वास को पैदा कर दिया। कहने लगे कि शिव ही सब कुछ है। देखिए किसी को भी अगर अपना बनाना हो या बर्बाद करना हो, पहले उनसे मिलना पड़ता है, उनके हां में हां मिलानी पड़ती है। अब इन तीनों ने भी अरे महाराज हम तो आपका मंदिर देखकर ही हैरान हो गए, क्या बात है आपके मंदिर की, अरे वाह 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 वाह, और बस अब तो हम यहीं रहेंगे। रोज ध्यान करने लगे, पूजा करने लगे शिव भगवान की। लेकिन धीरे धीरे उनको कह दिया सुनो, बोलो हर हर बम बम। धीरे धीरे कहा महाराज ये जो देखो ये जो सामग्री हम चढ़ाते हैं, अब लगा वो अपनी बातें फैलाने, अरे अगर इससे हम किसी गरीबों का भला करते हैं। आजकल भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, हाँ ऐसा कर दें वैसा कर दें। नतीजा ये कि शिव पूजन से हटा करके उन लोगों को इधर उधर उनका ध्यान कर दिया महाराज, और तो और अब आंखें बंद करके उनको बिठाना शुरू कर दिया, बैठ जाओ आंखें बंद करके,
देखो परमात्मा अंदर आ रहे हैं, ये वो ना जाने कैसी कैसी बातें। अच्छा ये बातें हैं तो ठीक, पर अगर आपका वो क्रम भी चल रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वो क्रम छोड़ दो। बड़े ध्यान से सुनना, बोलिए हर हर बम बम। जैसे आपको गाड़ी चलाने का पूरा अभ्यास हो जाए, आप गाड़ी चला लेते हैं अच्छे तरीके से चला लेते हैं गाड़ी को, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर गाड़ी को ही छोड़ दो। गाड़ी को अच्छे तरीके से चला लेते हैं मतलब अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत, पर गाड़ी तो चाहिए ना तभी चलाओगे, बिना गाड़ी का ड्राइवर क्या करेगा। तो मान लो कि आपका ध्यान घटित हो गया, परमात्मा से आपका संपर्क भी जुड़ गया, बहुत अच्छे तरीके से आपको परमात्मा का अनुभव भी हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको ये क्रम करने पड़ेंगे और करने चाहिए। अब उनको ध्यान की विधि तो बताई लेकिन इस पूजन से उनको विमुख कर दिया, और धीरे धीरे देखा कि मंदिर के ऊपर ताला ही लग गया। तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, कईयों के घरों में जाएंगे तो वहां मंदिर ही नहीं होता, ना कोई पूजा पाठ का स्थान होता है, ना कोई ध्यान का स्थान होता है। देखिए पूजा पाठ में मंदिर का मैं आपको एक महत्व बताऊं। देखिए जहां पर आपका मान लो टीवी लगा है, वहां पर आप जूते लेके चले जाओगे कि नहीं? टीवी के स्थान पर क्या दिक्कत है, जूते लेके आराम से चले जाओगे, वहां पर बैठकर कैसी भी गप्पे कर लोगे। लेकिन जहां पर आपका मंदिर है क्या वहां भी जूते लेकर जाते हैं? नहीं। और एक विशेष बात बताऊं, वैसे तो घर के अंदर जूता प्रवेश करना ही नहीं चाहिए, जूते का स्थान दरवाजे से बाहर ही हो। जूते के साथ बहुत सी नेगेटिविटी साथ आती है, और जब हम वो जूते लेकर के सीधे अंदर चले जाते हैं तो बहुत सी नेगेटिविटी भी हमारे घर के अंदर आ जाती है। इसलिए वैसे तो नियम ये हो कि आपके जूते बाहर ही उतरें और आप घर में पांव धोकर ही प्रवेश करें। पहले ऐसा नियम हर घर में होता था, लेकिन धीरे धीरे नया जमाना आ गया। बोलो हर हर नास्तिक मत ऐसा फैला। अब तो लोग, आप जानते ही होंगे, बहुत से धर्म ऐसे पैदा हो गए, उनको धर्म तो नहीं कहेंगे, बड़े पंथ ऐसे पैदा हो गए जहां पर लोग जूते लेकर ही पूजा भी करनी, उनको कोई मतलब ही नहीं, जूता पहनो मदिरा पियो मांस खाओ कोई चक्कर नहीं। बोलो हर हर। ऐसे ऐसे भी इस धरती पर, और उनके अनुयायी भी बहुत हो गए, क्योंकि महाराज ये नास्तिक मत इतना फैला कि क्या बताएं। बोलो हर हर बम बम। इसलिए सावधानी रखें, घर के अंदर वैसे तो जूता प्रवेश ना करें, क्योंकि घर भी हमारा एक मंदिर है। घर भी क्या है? मंदिर है। और मंदिर में कभी जूता लेकर, बोलो हर हर बम बम, जोर से बोलो हर हर बम बम। अब इसने एक वहां पर बात सुना, अरे सुनो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके बेशक घी पियो। देखो कैसा मत दिया। अच्छा लोग भी ऐसे ही आजकल कोई भी काम करेंगे तो कर्जा ले लेते हैं, और कर्जा लेने वाला कभी सुखी नहीं रहता, हर समय तलवार गर्दन पर लटकी है, ना जाने कर्जा मांगने वाला कब आ जाए, पता नहीं किस्त कब टूट जाए और कब गाड़ी को कर्जे वाले फाइनेंसर उठा करके ले जाए। तो इन्होंने सिखाया, अरे भैया सुख से रहो, क्या कर रहे हो आप लोग, कितना समय नष्ट कर देते हो, सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो हर हर। अब इन्होंने ऐसा ही किया, अब ये सुबह सुबह के मनोहर काल में कभी उठते नहीं है, और शाम को राक्षस काल में कभी सोते। अपने जीवन को भी देख लेना। बोलो हर हर। इसलिए काल का बड़ा महत्व है, राक्षस काल से बच के रहना। राक्षस काल में राक्षसी वृत्तियां प्रबल हो जाती हैं,
इसलिए जो 9 से 12 का समय है प्रयत्न पूर्वक उसे पहले पहले सो जाना या फिर उस काल में भजन करना। उस काल में भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे के बीच में अगर आप रात को भोजन करेंगे, आप कितने भी नियम रख लीजिए, आपको बीमारियां जरूर होंगी। पहले के बुजुर्ग तंदुरुस्त क्यों होते थे? 80-80 साल, 100-100 साल, 120 साल की आयु जीते थे पर बीमार नहीं होते थे। कारण, क्योंकि उनको कालों का बड़ा पता था, ज्ञान था। वो सूर्य की रोशनी के साथ ही भोजन कर लेते थे। जैसे जैसे सूर्य अस्त हो जाता है वैसे वैसे हमारी जठराग्नि भी काम करना बंद कर देती है। लेकिन अगर उस समय खाएंगे, जैसे आग बुझ जाए, अब बुझी हुई आग पर क्या आप रोटी बना सकते हो? अरे बोलो, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, फिर बना सकते हो आप? आपका चूल्हा भी है, सब कुछ है, आटा भी पड़ा है, माचिस भी है, तवा भी है, पर आग नहीं है। बना लोगे रोटी? नहीं बनेगी ना। तो वैसे ही हमारे पास शरीर भी है, भोजन भी है, हर चीज है, लेकिन असमय में खाया तो वो पचने वाला, अरे बोल दो। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो नियम बना लें कि सूर्य अस्त से पहले पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, या कम से कम जो रुद्रकाल चला है 8 बजे तक भोजन को करके। बोलो हर हर। पर राक्षस काल में तो भूल कर भी कुछ खाना पीना, लेकिन आजकल 99% काम किस काल में होता है? अरे बोल दो। बोलो हर हर। इसीलिए हम आप